हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। तो आज बात करेंगे कि ट्रक ड्राइवर कितना कमा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक ट्रक ड्राइवर की, और किस हिसाब से उनको ट्रक ड्राइवर की जॉब मिलती है, और कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको बता दीजिए, यहाँ पे होते हैं चार तरीके के ट्रक, ठीक है जी। एक होते हैं, मतलब उनको भी ट्रक ही बोलते हैं, छोटे लोडिंग एंड लोडिंग वाले होते हैं, ठीक है। उसको आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो उसका अगर फुल टाइम वर्कर है तो बंदा उसमें $1,000 तक कमा लेता है एक वीक का। स्टूडेंट का नहीं भाई मैं बता रहा, क्योंकि स्टूडेंट की आपको पता है वो होती है फाउंडेशंस, तो बाकी आपको पता ही है ये कमाई लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो ये चीज़ें YouTube पे शेयर नहीं कर सकते भी क्या हिसाब होता है, मैं आपको एक फुल टाइम वर्कर की बात बता रहा हूँ। तो वो जो छोटे होते हैं लोडिंग लोडिंग वाले, उसमें $1,000 तक बंदा एक वीक का कमा लेता है, ठीक है। और उसमें आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत ही पड़ती है, वो आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे भी चला सकते हो, ठीक है जी। और जो दूसरा आता है वो आते हैं जैसे अपने इंडिया में बिग बाज़ार होता है, ठीक है जी, उसका जो सामान वगैरह आता है वो एक कॉम्पैक्ट, जैसे अपना DCM होता है ना, DCM समझ लो जी, ठीक है जी। तो DCM टाइप के जो यहाँ पे ट्रक होते हैं वो वुलवर्थ वगैरह में सामान वगैरह आता है, वुलवर्थ जैसे अपना बिग बाज़ार हो गया, ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे जो सामान डिलीवर होता है तो वो बंदे करते हैं, ठीक है जी। उसमें एक आपको चीज़ पहले मैं बता दूँ, जो ट्रक ड्राइवर वाली जॉब है उसमें आपको 5 दिन ही काम मिलता है, ठीक है जी, हफ्ते में 5 दिन काम मिलेगा। लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है जी, किस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको 7 दिन काम दे रहा है या खाली 5 दिन काम दे रहा। तो बाकी अगर 5 दिन भी काम करते तो तभी आपके $1,000 बन ही जाते हैं छोटे वाले में, और जो DCM वाला है, ठीक है जी, उसमें बन जाते हैं $500 से लेकर $1,300, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अपने जैसे 10 टैरी हो गया या 12 टैरी जो ट्रक होते हैं अपने इंडिया में, उसी हिसाब से भी ट्रक होते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है HC ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है जी। तो HC ड्राइविंग लाइसेंस आपको ज़रूर होगी इसकी, जब आपको बड़ा वाला ट्रक चलाना है। तो उसमें बंदा अर्न कर सकता है एक वीक का $1,500 से लेकर $1,700 तक का। वो बड़े ट्रक होते हैं, वो लॉन्ग रूट के भी ट्रक होते हैं, ठीक है जी, जिसको पंजाबी में घोड़ा कह देते हैं, घोड़ा ट्रक या कुछ भी। लेकिन मैं अब आपको सीधा बता दूँ, वो 10 टैरी या 12 टैरी जो अपने ट्रक होते हैं वही होते हैं, ठीक है। और फिर आते जी बड़े वाले कंटेनर, जिसमें गाड़ियाँ वगैरह मूव होती हैं इधर से उधर, या कुछ भी बड़ा सामान मूव होता है। तो उसके लिए अपने लोग को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है MC। तो उसमें बंदा कमा सकता है $2,000 से लेकर $2,300, ठीक है जी। तो ट्रक ड्राइवरी में पैसा बहुत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि आपको कॉन्ट्रैक्टर अच्छा चाहिए जो आपको 7 दिन काम दे पाए, और आपकी स्किल्स वगैरह होनी चाहिए कि आप अच्छे से काम करो। और ट्रक ड्राइविंग में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है 2 जगह पे, जो छोटे वाले होते हैं छोटे वाले ट्रक, ठीक है। और आपके बड़े वाले जो होते हैं उनके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए, जैसे आपको मैंने बताया HC और MC, वो आपको यहाँ आके पता लगेगा कि कैसे बनना है। और बाकी एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आपका इंडिया का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले भी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, लर्निंग लेने की या और जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, तो आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अगर आप इंडिया में अभी हो, आपको 1-2 महीने बाद आना है, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हैवी करवा लो, उसमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है, ताकि आपको आके यहाँ पे लर्नर वो ना लेना पड़े, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। तो इसलिए ये कि जो बेनिफिट मिल रहा है इन चीज़ों का वो ले लें, आप अपने इंडिया से हैवी लाइसेंस करवा लें, जुगाड़ जुगाड़ करवा दें जैसे भी, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। वैसे अगर आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो 3 साल पुराना होना चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये भी है, कुछ रूल्स हैं। लेकिन अगर आपका हैवी होगा तो 1-1.5-2 साल पुराना तो होगा ही, 1 साल रह के आप फिर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ना, तब तक आप अपने इंडिया वाले पे भी चला सकते हैं। अगर आपको ट्रक ही चलाना है तो आप छोटे वाले जो ट्रक होते हैं वो आप चला सकते हैं, जो DCM तक के ट्रक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारे कमेंट आए थे कि ट्रक ड्राइवर पर वीडियो बनाओ, तो भाई ये थी इन्फॉर्मेशन ट्रक ड्राइवरों के लिए।
अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी लाइफ है, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको वो जो अपने ट्रेवल सेस वगैरह हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा पैसे वाली साइड में मत देखें, अपनी पढ़ाई भी देखो जी, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर वाली जॉब होती है वो 5 दिन तो आपको करनी है, या तो अपनी शिफ्ट वगैरह चेंज करवा लें तो ही फायदा है। बाकी आपको पता है स्टूडेंट आएंगे, जुगाड़ तो कर ही लेंगे, सब कर लेते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ जी, एक चीज़ जी और वो रह गई थी, जैसे जो मैंने आपको अमाउंट बताया ना, 1000, 1200, 1500, 1700 और 2300, भाई ये मिनिमम अमाउंट है, वो एक वीक का मिनिमम इतना कमाते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम तो और ज़्यादा हो सकता है, ये मिनिमम था। थैंक यू, बाय।